हेलो गाइस, वेलकम टू लिटिल होप। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे बीड मेरी हिमाचल डायरी का अहम हिस्सा है, और आज हम जाएंगे बीड की एक बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस जगह एक्सप्लोर करने। हमने बाइक रेंट पर ली और सुबह को निकल पड़े। यहाँ की सबसे अच्छी बात, आपको जंगल के रास्ते जाना है, जहाँ आपकी मुलाकात होगी कभी न देखे हो ऐसे पंछी और उनकी आवाजों से। पूरे रास्ते सिर्फ आप और जंगल, दैट्स इट। कभी कभार एक दो लोग मिल जाएंगे बस। तो बीड बिलिंग से आपको जाना है गुनेहर गांव, और वहां से 1 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाएंगे एक खूबसूरत वॉटरफॉल तक, गुनेहर वॉटरफॉल। लेकिन वो रास्ता भी जरा हटके है, क्यों देखते जाइए। पहले ही बता दूं कि आप जा रहे होंगे तब रास्ते में आपको गाइड मिलेंगे, जो आपसे कहेंगे कि रास्ता खतरनाक है और आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी। वो लोग बिल्कुल सच बोल रहे होंगे। जी हाँ, अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, या आप रेगुलर ट्रैकर नहीं हो, या आप कभी जंगल के रास्तों पर नहीं गए हो, तो मैं कहूँगी आप पक्का गाइड ले लेना। तो यहाँ पे हमने बाइक रखी और ये वो रास्ता है जहां से ट्रैक वॉटरफॉल तक जाता है। जब आप वॉटरफॉल के पास पहुंच जाओगे तो चढ़ना नहीं उतरना होगा, वो भी बिल्कुल डाउन। फिसलने की पूरी संभावना है, एंड इट्स क्वाइट रिस्की आल्सो, सो बी केयरफुल। अभी हम जहां आ गए हैं उसे वॉटरफॉल का बेस कह सकते हैं। यहां आप अपने जूते, एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखकर भी जा सकते हो, और कुछ खाना भी ना हो तो भी खा पी सकते हो। अब इस सफर का सबसे कठिन पड़ाव, अभी हमें इस रास्ते जाना है। आप कहोगे रास्ता कहाँ है? जी हाँ, यही वो हटके रास्ता है जहाँ से हमें जाना है, क्योंकि हमें पानी में से होकर छोटे छोटे वॉटरफॉल्स को पार करके, रॉक क्लाइंबिंग करके फिर पहुँचना है वॉटरफॉल तक। Play.
एंड फाइनली वी आर हियर एट गुनेहर वाटरफॉल। पता है वाटरफॉल की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी धुएं जैसी बूंदें जब आपको छूकर हल्का सा भिगो देती है ना, तब प्रकृति के शुद्ध स्पर्श का एहसास होता है और वो एहसास आपको अंदर से खुश कर देता है। अब आपको नहाना पसंद है तो नहाइए या बैठकर शांति से इसके संगीत को महसूस कीजिए। चॉइस इज योर्स। गुनेहर वाटरफॉल ने हमारे दिल की गहराइयों को छुआ, हमें सुकून बख्शा। इसी सुकून के पलों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ माँ प्रकृति से जुड़े रहिए। थैंक यू।